गाइज आपने बहुत सारे बॉलीवुड हॉलीवुड और साइंस फिक्शन मूवीज देखी होंगी जिनमें से कई मूवीज में VFX और CGI का यूज किया जाता है। अगर उन मूवीज में VFX का यूज ना किया जाए तो वो कुछ ऐसे दिखाई देंगी। मूवीज में बहुत सारे ऐसे शॉट्स होते हैं जो कि देखने में एकदम ही रियलिस्टिक लगते हैं, लेकिन उन सीन्स को स्पेशल इफेक्ट और CGI की मदद से बनाया जाता है। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 फेमस मूवीज के कुछ ऐसे सीन्स दिखाऊंगा जो विदाउट VFX के तो पॉसिबल ही नहीं होते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, टॉप 10 फेमस मूवीज विदाउट स्पेशल इफेक्ट, जिसमें सबसे पहले है जुरासिक वर्ल्ड। गाइस आप में से बहुत सारे लोगों ने जुरासिक वर्ल्ड मूवी को तो जरूर देखा ही होगा, जिसके सारे कैरेक्टर्स आपको रियल दिखाई देते होंगे और डायनासोर देखने के बाद तो आप सोचते होंगे कि भाई ये तो एकदम ही रियल है। लेकिन जब आप इस फिल्म की रियलिटी देखेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे और सोचेंगे अब तक हम जिसे रियल समझ रहे थे वो तो VFX और स्पेशल इफेक्ट्स की मदद से हो रहा है। जुरासिक वर्ल्ड में डायनासोर के कैरेक्टर को CGI की मदद से बनाया गया है, जिससे ये देखने में बिल्कुल ही रियल लगता है। जैसे मूवी के इस सीन में एक लड़की भाग रही है और उसके पीछे डायनासोर है, लेकिन जब इस सीन को विदाउट स्पेशल इफेक्ट और विदाउट VFX के देखा जाए तो ये लड़की अकेले ही दौड़ रही होती है, इसके पीछे कोई डायनासोर नहीं होता है। ये कम्प्लीटली CGI और स्पेशल इफेक्ट का कमाल है, जिसकी वजह से ये मूवी देखने में रियल लगती है। नेक्स्ट है MS धोनी। गाइस आपने सुशांत सिंह राजपूत की MS धोनी मूवी तो जरूर देखी ही होगी, जिसमें कई जगहों पर VFX का यूज किया गया है। इस मूवी में आपने कई सीन्स ऐसे देखे होंगे जिसमें रियल मैच की वीडियो को दिखाया गया है, जिसमें MS धोनी के फेस की जगह सुशांत सिंह राजपूत के फेस को लगाया गया है, जिसे देखकर लोगों को लगता है कि भाई सुशांत सिंह राजपूत भी शायद इस मैच में रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब VFX का कमाल है। VFX की मदद से ही इसे एडिट किया गया था और इसमें असली मैचेस की फुटेज भी एड की गई और उसमें MS धोनी के फेस को सुशांत सिंह राजपूत के फेस के साथ रिप्लेस कर दिया गया। मूवी के एक सीन में सुशांत सिंह राजपूत को काफी पतला और कम उम्र का दिखाया गया है। ये सारे कमाल भी VFX की मदद से ही हो पाए थे। नेक्स्ट है सुपरमैन। गाइस सुपरमैन देखने के बाद तो आपका भी मन सुपरमैन की तरह हवा में उड़ने का करता होगा और आप सोचते होंगे कि भाई काश ये शक्तियाँ मुझे भी मिल जाती। तो गाइस सुपरमैन कोई हवा में नहीं उड़ता, बल्कि इनकी मूवीज की शूटिंग कुछ इस तरह से होती है जिसमें सुपरमैन का कैरेक्टर हवा में उड़ता हुआ नजर आता है, जिसमें सुपरमैन के कैरेक्टर को केबल से बांध दिया जाता है और उसे हवा में फ्लो कराया जाता है। उसके बाद इस सीन को रियल बनाने का काम होता है स्पेशल इफेक्ट और VFX का, जिसका यूज करके इस सीन को रियल बना दिया जाता है। गाइस मूवी के एक सीन को बनाने के लिए बहुत समय लगता है, भले ही इसको VFX की मदद से रियलिस्टिक बना दिया जाता हो, लेकिन इसके पीछे एक एक्टर को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। VFX के अलावा एक मूवी की शूटिंग करते समय एक एक्टर को फेस एक्सप्रेशन, रियल एक्टिंग और रियल स्टंट्स भी करने पड़ते हैं, जिसे करते समय कई एक्टर्स को तो गहरी चोट भी लग जाती है और एक एक्टर को अपनी बॉडी को भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। नेक्स्ट है अलादीन। गाइस अलादीन डिज्नी द्वारा बनाई गई एक ऐसी मूवी है जो कि कई सारे लोगों की फेवरेट मूवी होगी, जिनमें से एक मैं भी हूँ। अलादीन की तो स्टोरी ही इतनी गजब है जिसको सुनते हुए भी मजा आता है। इस मूवी को शूट करते समय ब्लू स्क्रीन का यूज किया गया। मूवी में आपने ये सीन जरूर देखा होगा जिसमें अलादीन अपनी जादुई चादर से आता है। इस सीन को कुछ इस तरह से शूट किया गया है और मूवी में देखने पर तो ये सीन एकदम ही अलग लगता है। और मूवी के शुरुआत में जो सीन दिखाया गया है उसे कुछ इस तरह से शूट किया गया था, जिसमें अलादीन एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर जंप कर रहा होता है। अगर इसी सीन को विदाउट VFX देखा जाए तो ये सीन देखने में कुछ ऐसा दिखाई देगा। नेक्स्ट है ब्रह्मास्त्र। गाइस ये हमारी इंडियन बॉलीवुड मूवी है जिसे आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। ये मूवी एक सुपरहिट मूवी रही है जिसमें बहुत सारे VFX का यूज किया गया है, जिसमें मूवी के एक सीन में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के चारों तरफ आग लगी होती है, तो उस सीन को कुछ इस तरह से शूट किया गया है जिसमें इनके चारों तरफ इन सफेद लाइट्स को लगाया गया था और मूवी के एक सीन में रणवीर सिंह अपने हाथों के आगे आग लेके जा रहे होते हैं। उस सीन को एक कपड़े में आग लगाकर और उसे एक छड़ी से पकड़कर कुछ इस तरह से शूट किया गया था, जिसके बाद इसे स्पेशल इफेक्ट की मदद से रियलिस्टिक बनाया गया। नेक्स्ट है एवेंजर्स। गाइस मार्वल द्वारा बनाई गई एवेंजर्स एक ऐसी मूवी है जिसे विदाउट VFX और विदाउट CGI तो बनाना ही पॉसिबल नहीं था। इस मूवी के ऑलमोस्ट हर एक सीन में VFX का यूज किया गया है। मूवी को ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन में शूट किया गया, जिसके बाद इस पर स्पेशल इफेक्ट्स लगाने के बाद ये मूवी एकदम ही रियलिस्टिक लगती है। एवेंजर्स एंड गेम के इस सीन को तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स खड़े होते हैं और उनके पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी होती है, जो कि ये कैरेक्टर्स देखने में एकदम ही सिंपल से लग रहे होते हैं, लेकिन जब इसी सीन पर VFX और CGI का काम किया जाता है उसके बाद तो ये नॉर्मल से देखने वाला सीन बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। ऐसे ही इस मूवी के बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जहां पर हाई लेवल के VFX का यूज किया गया है। नेक्स्ट है क्रिस। गाइस क्रिस मूवी से तो हमारे बचपन की
की यादें हैं। इस मूवी में भी उस समय के काफी अच्छे VFX का यूज किया गया है। जहाँ पर आपने मूवी का ये सीन जरूर देखा होगा जहाँ पर क्रिस बिल्डिंग्स के ऊपर जंप कर रहा होता है, तो उस सीन को VFX की मदद से कुछ ऐसे बनाया गया था, जो कि ये सीन नॉर्मली जमीन पर ही शूट किया गया और इसे बिल्डिंग्स की वीडियो के साथ मर्ज कर दिया गया, जिसके बाद मूवी का ये सीन बनकर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है रावण। गाइस 2011 में आई रावण मूवी के VFX उस समय के हिसाब से बहुत ही बेस्ट VFX थे। मूवी के एक सीन में जहां पर हीरो और विलन में फाइट हो रही होती है, उस सीन को केबल्स के द्वारा शूट किया गया और उसके बाद जब इस सीन को VFX के द्वारा एडिट किया गया तो ये सीन देखने में बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। और मूवी में एक सीन होता है जहां पर शाहरुख खान ट्रेन पर दौड़ रहे होते हैं, तो उस सीन को रियल लोकेशन पर शूट किया गया और साथ ही में ब्लू और ग्रीन स्क्रीन का भी यूज किया गया, जिसके बाद इस सीन को VFX और CGI की मदद से एडिट किया गया और एडिट के बाद तो ये सीन एकदम ही रियलिस्टिक लगता है। नेक्स्ट है एक्वामैन। गाइस एक्वामैन एक ऐसी मूवी है जिसमें मूवी के ज्यादातर सीन्स पानी के अंदर के ही है, तो पानी के अंदर के सीन्स को तो विदाउट VFX के एडिट करना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है और इन सीन्स को भी ऐसे ही शूट किया जाता है जैसे कि वो कैरेक्टर पानी के अंदर फ्लो कर रहा हो। वैसे गाइस इन सभी मूवीज में से आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है और गाइस ऐसी कौन सी मूवी है जिसमें बिल्कुल भी VFX का यूज नहीं किया गया है? अगर आप में से किसी को भी एक मूवी का नाम पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।